जल्दी से एक आंसर देना, मैं छोटी छोटी दो क्लिप्स दिखाऊंगा रोस्ट वीडियोस की, उसमें से तुम्हें बताना है कि तुम्हें कौन सी पसंद आई। लेकिन जो भी बोलो, एल्विस भाई खुद को पहले से बहुत ही इम्प्रूव करा है। दो साल पहले जिन टिकटॉकर्स को वो खुलेआम गाली देके बेइज्जत करते थे, आज उनके साथ बैठ के ही पार्टी कर रहे हैं। एल्विस भाई को लगता है कि अंकित बानपुरिया के साथ सॉन्ग डालने से उनके ऊपर जो मीम बन रहे हैं और जो उनको हेट पड़ रहा है वो रिकवर हो जाएगा। कांग्रेचुलेशंस टू एल्विस यादव। तुम फुकरा यादव और एल्विश इंसान के बीच एक बहुत टफ कंपटीशन थी, बट इट डज नॉट मैटर गाइस, चाहे इन दोनों में से कोई भी जीतता, द रियल विनर ऑफ बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 ब्रॉट टू यू बाय विमल इलायची बोलो जुबान केसरी इज द यूट्यूब कम्युनिटी। आई एम सो ग्लैड, आई एम सो हैप्पी, मैं सच्ची में बहुत खुश हूँ। अगर देना चाहते हो तो इसका आंसर मुझे एक्सप्लेनेशन के साथ कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हो, और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ह्यूमर का एक ऐसा फॉर्म जिसमें कोई इंसान किसी इंडिविजुअल पर इंसल्ट जोक्स क्रैक करता है और लोग उन जोक्स को एंजॉय करते हैं, इसी को रोस्ट कहते हैं, और इस पूरे जोनर को रोस्टिंग कहा जाता है। इसकी एक शर्त यह है कि रोस्टी यानी जिस पर जोक्स सुनाए जा रहे हैं उसको ऑफेंड नहीं होना है और जोक्स को सपोर्टिंगली लेना है। लेकिन आजकल इंटरनेट पे जो रोस्टिंग का कल्चर है उसके मायने काफी बदल गए हैं। यहाँ रोस्टिंग का मतलब सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट से ज्यादा एक प्रोफेशनल तरीका हो गया किसी इंसान को इंटेंशनली हर्ट करने का या फिर ऑनलाइन बुली करने का। मोस्ट ऑफ द रोस्टर्स यूट्यूब पर इस ईगो के साथ आते हैं कि अब देख बेटा तुझे रोस्ट करूंगा, ना कि इस वजह से कि लोग उसको देख के एंजॉय करें। एक्सेप्शंस हैं इस केस में भी, लेकिन इस बारे में अच्छे से जानते हैं इस वीडियो में। रियल वर्ल्ड में चीजें जैसे काम करती हैं, इंटरनेट पर उनका मतलब थोड़ा सा डिफरेंट तो हो ही जाता है। तो अगर हम ये कहें कि इंटरनेट पर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए रोस्टिंग करना सही है तो ये चीज प्रैक्टिकल नहीं होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटेंट पोस्ट करना और उस कंटेंट पर लोगों को लाना बहुत बड़ा टास्क है। थोड़े से एंटरटेनमेंट के लिए लोग उस वीडियो पर या फिर उस पोस्ट पर क्लिक ही नहीं करेंगे। तो इंटरनेट पर रोस्टिंग का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, जहाँ पर रोस्टर्स का काम यह है कि ऐसे लोग जो यहाँ पर कुछ गलत काम कर रहे हैं या फिर बेसिकली गंद फैला रहे हैं उनको कॉल आउट किया जाए, वो भी एक ह्यूमरस वे में विद इंटेलिजेंट जोक्स एंड हेटलेस ओपिनियन। बेसिकली इंटरनेट की रोस्टिंग क्रिटिसिज्म से सिमिलर है बट विद ह्यूमर एडेड इन इट। मेरा मतलब ये है कि अगर इंसान यूट्यूब पर या फिर इंस्टाग्राम पर कुछ भी हरकतें कर रहा है या फिर कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस कर रहा है तो कुछ रोस्टर्स उसके ऊपर वीडियोस बनाएं, उसको कॉल आउट करें विद सम जोक्स जो उस इंसान को रियलाइज करवाए कि वो गलती कर रहा है और उसे इम्प्रूव करने की जरूरत है। मेरे हिसाब से इंटरनेट रोस्टिंग यही है। और अगर ये मतलब नहीं है तो फिर रोस्टिंग हम उन्हीं वीडियोस को बोलेंगे जिनमें सेलेब्स की रोस्टिंग होती है नेटफ्लिक्स इंडिया के चैनल पर। अब आते हैं इस वीडियो के पहले सेगमेंट पर जिसमें हम जानेंगे कि रोस्टर्स पर जो भी एलिगेशंस लगाए जाते हैं वो कितने सच हैं और कितने झूठ, एंड ऑब्वियसली कि वो एलिगेशंस हैं क्या। रोस्टिंग की शुरुआत में चलते हैं। 1949 में मॉरिस शिवेलियर जो एक बहुत फेमस सिंगर और लिरिसिस्ट थे, उन्होंने न्यूयॉर्क फ्रायर्स क्लब में प्रोफेशनली रोस्टिंग को परफॉर्म किया। फिर वेस्ट में टीवी पर भी रोस्टिंग धीरे धीरे पॉपुलर होने लगी। 80s में जोनर ने अच्छी खासी ग्रोथ करी और 2000s के अराउंड ये इंडिया पहुंचा। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज और कॉमेडी सर्कस जैसे शोज में काफी बार परफॉर्मर्स जैसे राजू श्रीवास्तव, सुदेश लहरी और कपिल शर्मा ओकेजनली रोस्टिंग कर दिया करते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस समय इस वर्ड को यानी रोस्ट को कोई भी पहचानता नहीं था। 2015 के बाद मेजरली जब यूट्यूब पर रोस्टिंग फेमस होने लगी तब जाके हमें इसके बारे में पता चलना शुरू हुआ। लेकिन कैच ये था कि YouTube पर जो रोस्ट बन रहे थे उसके मायने मेनस्ट्रीम रोस्टिंग से बहुत ज्यादा अलग थे। मेनली रोस्टिंग कैरी मिनाटी ने पॉपुलराइज करी और वो अपने रोस्ट में बहुत वल्गर था, जबकि मेनस्ट्रीम रोस्टिंग में प्योर कॉमेडी इन्वॉल्व होती है। वल्गैरिटी इतना प्रोमिनेंट हिस्सा नहीं है रोस्टिंग का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ऐसे स्टैंडर्ड सेट हो गए कि रोस्टिंग करना यानी किसी इंसान को गालियों से बुली करना। इसमें बहुत बड़ा हाथ कैरी मिनाटी का है। मेरा ये मानना है कि उसके वीडियोस में गालियों का ओवरयूज ही वो रीजन है जिसकी वजह से रोस्टिंग कम्युनिटी वल्गर बनी। ये वो अनइंटेंशनली कर रहा था, उसको नहीं पता था कि लोग उसको कॉपी करने लग जाएंगे। He had humor in his videos, लेकिन ये जो narrative set हुआ कि गाली देके videos बनाने को roasting कहते हैं, इसकी वजह से पूरी community negative बन गई। हमारे business पे कोई नजर डाले? Business का तो पता नहीं मैडम, बट जिस तरह से आप कपड़े खोल रही हो ना, कहीं और नजर जरूर जाएगी। दरअसल ये हुआ इसलिए कि इंडिया में या मेनली साउथ एशियन कंट्रीज में एंटरटेनमेंट को कंज्यूम करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। यही तो रीजन है कि यहाँ इनिशियली इतनी बढ़िया मूवीज भी नहीं बनी, जो बनी वो फ्लॉप रही, क्योंकि यहाँ के लोगों की पसंद ही बहुत अजीब है। प्लीज बुरा मत मानना, लेकिन KGF 1200 करोड़ कमा रही है, इससे ये तो साबित होता है कि सच में इंडियंस और हमारे आसपास के लोगों का एंटरटेनमेंट को कंज्यूम करने का तरीका थोड़ा कैजुअल तो है। एनीवेज लेट्स कम बैक टू द टॉपिक रोस्टिंग। हाँ, तो इंडिया में रोस्टिंग की शुरुआत बड़ी खराब हुई, लेकिन अभी जो मेन प्लेयर्स हैं वो इसको थोड़ा पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत में तो बहुत हार्मफुल था ये जोनर, लेकिन अभी थोड़ा सॉर्ट हो रहा है। पहले तो जो रोस्टर्स के हत्थे चढ़ गया था उसका करियर ही खत्म हो जाता था, लेकिन अब रोस्टर्स भी सेंसिबल हो गए हैं और वो उसी को टारगेट करते हैं जो सच में टारगेट होने लायक है। मेनली उसी को करते हैं, जैसे देव त्यागी जैसे लोग। ये एक्सपेक्ट करना अनरियलिस्टिक है कि ये टॉक्सिसिटी आउट ऑफ नोवेयर खत्म हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि ऐसे चेंजेस अचानक से नहीं होते हैं, लेकिन ठगे जैसे रोस्टर्स हेल्प करते हैं इसको बैलेंस आउट करने में। जो भी रोस्टिंग चैनल्स खोलने की सोच रहे हैं या फिर स्टार्ट कर चुके हैं, उनके लिए एक सजेशन यही होगा कि मास्टर योर स्किल ऑफ जोक्स। जोक्स अच्छे बनाओ, गालियां अब कूल नहीं है। अगर तुम सोच रहे हो कि गालियां
देके चैनल ग्रो हो जाएगा तो तुम्हें 5 साल पीछे जाना पड़ेगा। मेरे आगे बहुत ऐसे एमेच्योर रोस्टिंग चैनल्स आते हैं, वो पिच को कम करके या फिर वॉइस फिल्टर्स लगा के गालियों की लाइन लगाए रखते हैं। तो अगर आप में से भी ऐसा कोई है तो अच्छे से समझ लो कि उस चैनल को डिलीट कर दो और नया बना लो जिसमें कुछ फनी हो, रियल कॉमेडी हो। रोस्टिंग कॉमेडी का एक फॉर्म है, इसको गालियों की फॉर्म बनाने से घर नहीं चलते। अब अभी अगर हम रोस्टिंग के मेन प्लेयर्स की बात करें तो उसमें आते हैं लक्ष्य चौधरी, सम्राट भाई, ठगेश, क्रेजी डी और पहले द ग्रेट एल्विश यादव भी इन्हीं का हिस्सा थे। तो इनमें होता ही है कि इनको चाहिए होता है थोड़े थोड़े टाइम में कोई मुद्दा। कभी कभी जेनुअली सही मुद्दे हाथ में आ जाते हैं और कभी कभी ये जानबूझकर मुद्दे बनाते हैं। एग्जाम्पल देता हूं दोनों की। अब जैसे कुछ समय पहले इन सब ने एक लड़के पे वीडियोस बनाए जिसका नाम था देव त्यागी। वो बस एक इमेच्योर टीनेजर है जो कुछ प्रिटेंड करने की एक्टिंग कर रहा था। बेसिकली एंड्रू टेट बन रहा था टीनेजर्स का। वो सच में एक हार्मफुल ऑब्जेक्ट था सोशल मीडिया के लिए। वो मान लो टीनेजर्स में फेमस हो जाता तो ये सच में काफी नेगेटिव चीज हो जाती। और इन रोस्टर्स ने मिलकर उस पर वीडियोस बनाए जिसकी वजह से उसका करियर वहीं खत्म हो गया और रोस्टर्स को व्यूज आ गए। तो इस केस में तो एक ग्रुपिज्म करना सही साबित हो जाता है, लेकिन बात यह है कि क्या हर केस में एक ग्रुपिज्म सही है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं मनीषा रानी का। बिग बॉस के बाद मनीषा पर सब रोस्टर्स ने एक के बाद एक वीडियोस बनाए, उसके बारे में ट्विटर स्पेसेस पर डिस्कशन हुए जो दिखाते हैं कि यह सिर्फ क्लाउड के लिए किया जा रहा था। मनीषा पर स्पेसिफिकली ये वीडियोस बनाना बिल्कुल भी फेयर नहीं था। ये मत समझना कि मैं किसी मनीषा को लेकर बायस हूं, सिंपली डोंट केयर अबाउट हर और एनी अदर पर्सन मेंशनड इन दिस वीडियो, लेकिन फिर भी ये अनफेयर था। और सिमिलरली कुछ साल पहले ऐसा कुछ पीला के साथ हुआ और उस केस में तो ग्रुपिज्म एविडेंट था ही। बढ़िया बढ़िया, एक मैटर चल रहा है, बीच बहुत तगड़ा। कौन सा मतलब बीच कम बनाएंगे, अभी तो मैटर ही है। इसलिए तुझे कॉल कर रहा था, उनमें से एक बिचारी भड़क गई। हाँ, कुछ आगे पीला मेरे लिए स्टोरी डाली उसने परसों। फिर मैंने सोचा मैं चलो थोड़ी बहुत जलन है हो जाएगी खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस मैटर को खींचना हो तो मिलके सारे खींच सकते हैं, इसका बीच बना गए, नहीं तो इसको फिर इग्नोर ही करें। सारे मतलब कौन कौन है भाई? देख अगर हम सारे आ जा रहे, मैं हो गया, तू हो गया, ठीक है, ये इधर सम्राट हो गया, ज्ञानी हो गया, और इधर वेदांत को एक बार बोल दें, ठीक है, तो अगर हम 4-5 मेन मेन बंदे वीडियो डाल दें तो बाकी तो पलटन पीछे की छोटी छोटी सारी आ जाएंगी। और इस मैटर को कोई एक शुरू करेगा और शाम को कवर करवा गए इस बात को न्यूज व्यूज में, उसके बाद सारे आ जाएंगे फटाफट फटाफट वीडियो वीडियो वीडियो, इससे कि उनको काउंटर मारने का मिलेगा चांस। तो ठीक है, मैं बाकी से भी कर ले रहा बात, फिर मैं तेरे को व्हाट्सएप पे कुछ मैटर दे दूंगा, कुछ चीजें बता दूंगा, फिर अपने हिसाब से भी लिख दे पूरा, मैं तेरे को पूरा बता दूंगा हुआ क्या। हाँ ठीक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तब बात यह है कि जितने भी रोस्टर्स हैं इनके हाथ में एक बहुत बड़ी पावर है अराउंड 10-20 लाख लोगों के परसेप्शंस को टेम्पर करने की। तो हाई चांसेस हैं कि इस पावर का मिसयूज भी कर लेंगे, लेकिन इनको ये समझना होगा कि इसका यूज पॉजिटिवली कैसे किया जा सकता है। जहां जरूरत है वहां ग्रुपिज्म भी करो, लेकिन किसी को इससे हार्म ना हो, ना ही रोस्टी को और ना ही तुम्हारी ऑडियंस को जो ये सब देखकर अंदर से टॉक्सिक बन जाती है। तुम्हारा काम है ह्यूमर, ऑफेंस और क्रिटिसिज्म का ऐसा मिक्सचर बनाना जो एंटरटेनिंग भी हो और जिसका रियल वर्ल्ड यूसेज भी हो। लेट्स कम टू द फाइनल सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो नाउ। रोस्टिंग कम्युनिटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सारे रोस्टर्स कंट्रोवर्सीज बहुत करते हैं। अंटिल इट्स प्योर एंटरटेनमेंट ये कम्प्लीटली फाइन है, लेकिन जहां रोस्टी पर हेट जाने लगता है वहां पर कुछ स्टेप्स हैं जो ये रोस्टर्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने किसी इंसान को रोस्ट किया और उस पर हेट जाने लगा, तो ये अपने नेक्स्ट वीडियो में स्पेसिफिकली ये मेंशन कर सकते हैं कि उस पर हेट ना जाए और डायरेक्टली उसको सपोर्ट भी कर सकते हैं ताकि इनके ऑडियंस के परसेप्शन थोड़े बैलेंस हो जाएं। इसके अलावा ये निकनेमिंग खत्म कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा जिनको भी रोस्ट करते हैं उनके निकनेम्स रख दिए जाते हैं और फिर सामने वाले को लाइफ टाइम उसी नाम से बुलाया जाता है, उसी नाम से ट्रोल किया जाता है, जो उसके लिए बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक हो सकता है। जैसे कि मोस्ट केसेस में होता है रोस्टर्स कंट्रोवर्सीज को चेज करते हैं। तो भाई जब कंट्रोवर्सी नहीं होती तो क्या होता, मतलब खाली बैठ जाते हो या क्या? यार बोरियत आती है, मतलब वो जो यूट्यूब स्टूडियो के ग्राफ होते हैं ना वो नीचे को दिखने शुरू हो जाते हैं। मतलब कोई ना कोई गॉसिप आती रहनी चाहिए। फिर ना लक्ष्य वेट करता कौन सा साला कौन से गाली दे रहा है, उसे पकड़ूंगा। कभी दोस्त कोई दुश्मन बना लो, कभी कोई दुश्मन ढूंढो, वो वाला सीन है। ग्रीन तभी रहता है ग्राफ, मेरा तो स्टूडियो ग्राफ कंट्रोवर्सी से ही ग्रीन रहता है। व्यूज के लिए किसी को हार्म करना काफी गलत है। अगर रोस्ट बनाना है तो ज्यादा ऑफेंसिव की जगह इम्पैक्टफुल लगना चाहिए और रोस्ट भी उसी को करो जो इन मोस्ट केसेस रोस्ट होना डिजर्व करता है, जैसे जोगिंदर हो गया या दीपक कलाल हो गया। वैल्यू नहीं है इसमें कुछ भी, बस एंटरटेनमेंट है, वो भी बैड फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, लेकिन कोई ज्यादा बड़ा हार्म नहीं हो रहा है किसी भी इंडिविजुअल का इसमें। अब लक्ष्य चौधरी और एल्विश यादव दोनों पर ही मैंने डेडिकेटेड वीडियोस बना रखे हैं, तो अगर नहीं देखे अभी तक तो जाकर उनको यहां से क्लिक करके देख सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।